शादी। घर में जब भी मेरी शादी की बात होती थी तो मैं हमेशा मजाक में टाल देता था। शादी सुनने में इतना भारी हो जाता था। बट इन द एंड रियलिटी इज यू कैन नॉट लिव योर लाइफ अलोन। शादी हर इंसान की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। मेरी जिंदगी का वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर है शनाली गोयल। शनाली, जब मैंने पहली बार उसका नाम सुना था ना तो मुझे नाम इतना अच्छा लगा था। आई थॉट आई मस्ट गो एंड मीट हर। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। I still remember the day जब मैंने करुण एंड फैमिली को मिलना था और मैं कितनी नर्वस थी एंड मैं चेयर पे ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। एंड जब वो एंटर हुए मैंने देखा दैट ही वॉज वेरी प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन आया उनकी तरफ से। जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई, तुम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं। एंड फिर जब हम बैठे, जब हमने बात वगैरह करी, मतलब जब हमने बात की तो शी वॉज लाइक कि वेरी वेरी सिंपल, वेरी कूल, वेरी काम, एंड द सिंप्लिसिटी एंड द क्यूटनेस बिहाइंड हर हार्ट। ही नोटिस्ड कि मैं बहुत नर्वस थी एंड दैट वॉज द मोमेंट जब उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाना शुरू किया एंड दैट वॉज अ रियली गुड एफर्ट फ्रॉम हिज साइड एंड दैट रियली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट एंड आई रियली लव्ड इट। पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, रोक नहीं सकती नजरों को। एंड दैट मोमेंट आई फाउंड अ कनेक्शन बिटवीन माई ड्रीम गर्ल एंड हर एंड माई हार्ट विस्पर्ड शी इज द वन।
एंड उसके बाद जब हम और मिलते गए उसके बाद में और मुलाकातें हुई, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया एंड हियर वी आर ऑन 19th फेब। जब हमारी पहली आई कॉन्टैक्ट हुआ एक बहुत प्यारी सी स्माइल एक्सचेंज हुई, जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी बातें, बोलने का तरीका एंड जिस तरह से उन्होंने मेरी फैमिली को कंफर्टेबल फील करवाया, बहुत हद तक आई वॉज कन्विंस। अब अगर अभी भी सोचूं, मतलब जब भी हम मिलते थे कभी भी उसके बाद से जब भी हम मिलते थे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि किसी अजनबी से मिल रही हूँ। उनका मेरे को ये फील करवाना दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, उनकी आईज़ में ही दिखता था ये चीज़, उनकी आईज़ में ही विजिबल होती थी। उनका मिलने के बहाने ढूँढना, हमेशा चोरी चोरी आके मिलना, ये सारी हरकतें बहुत बहुत अच्छी लगती थी। मतलब इतना स्पेशल फील होता था मैं बता भी नहीं सकती। एंड आई विल लव यू ऑलवेज लाइक आई डू अनकंडीशनली। लव यू।